to all exam का ही IBPS exam 2020-2021 जी हाँ दोस्तों IBPS bank के exam इस साल 2020 में जो होने वाले हैं उसके लिए आप eligible है या नहीं है check your eligibility in the video जी हाँ दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा IBPS के 4 exams conduct होंगे IBPS RRB, IBPS PO, IBPS clerk and IBPS SO तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं IBPS RRB के बारे में IBPS RRB का जो एग्जाम होगा 2020 का उसमें आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं दोस्तों इस पूरी वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको क्या होनी चाहिए उस एग्जाम को देने के लिए जो 2020 में पोस्ट आएंगी पर आपको एक क्लियरली इस वीडियो में ये पता पड़ जाएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं इस एग्जाम को देने के लिए दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दोस्तों सबसे पहले आता है एज क्योंकि दोस्तों यहाँ पर होता है कि बहुत सारे मेरे दोस्तों के कंफ्यूजन आते हैं डेट ऑफ बर्थ कंफ्यूजन IBPS RRB में भी दोस्तों चार तरह की पोस्ट आती है अलग अलग उसमें सबसे पहली पोस्ट जो आती है वो आती है फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज जी हाँ दोस्तों ये आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको जो पोस्ट आएगी वो आएगी ऑफिस असिस्टेंट की जैसे कि मल्टीपर्पज पोस्ट भी कहा जाता है 1 जून 2020 तक आपकी एज 18 साल हो गई है या फिर 28 इयर्स है तो ही आप एलिजिबल हैं अदरवाइज आप इसकी तैयारी ना करें जी हाँ दोस्तों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्योंकि हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं हमें पता नहीं होता है बहुत सारे दोस्तों के साथ ये प्रॉब्लम होती है मुझे भी बहुत सारे कमेंट आते हैं जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है IBPSRecruitment.in उस पर भी आते हैं दोस्तों तो काउंसलिंग मैं तभी कर पाऊंगा जब आप पहले प्रॉपर ढंग से देखें 3 से 4 चीज़ें हमको देखनी होती हैं हमारे को देखना होता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हमारी एज हमारी कितनी है हमारा डेट ऑफ बर्थ चेक करना होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में दोस्तों आपकी जो डेट होनी चाहिए 18 से 28 ईयर्स उसमें भी आपका जो एकदम एक्यूरेट आपकी जो डेट है ये भी आपको दे रखी है आपका जो DOB होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ वो इसके बिटवीन होना चाहिए तभी आप एलिजिबल हैं अगर एक दिन भी अगर आपका बर्थ डेट पहले आ रही है आपका बॉर्न एक दिन भी पहले या एक दिन भी बाद में हुआ है तो दोस्तों आप एलिजिबल नहीं हैं बहुत सारे दोस्तों का ये कमेंट आता है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ ये है दोस्तों तो दोस्तों उस केस में आपको ये वीडियो देख लेना चाहिए पूरा 2 जून 1992 से लेकर 1 जून 2002 तक के बीच में अगर आपका बॉर्न है तो आप एलिजिबल हैं बिल्कुल आप एलिजिबल हैं 18 से लेकर 28 ईयर्स इसकी एज होगी फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज दोस्तों ये मैं इतना डिस्क्राइब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के साथ ये प्रॉब्लम होती है वो पहले एग्जाम पैटर्न नहीं देखते हैं एग्जाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं देखते हैं और वो फॉर्म भर देते हैं उसके बाद में उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है जो कि दोस्तों बिल्कुल भी सही नहीं होता है तो अगर हम पहले ही इस अवेयरनेस को हम जान लें हम अवेयर हो जाए इन सब चीज़ों से तो हमें ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी नेक्स्ट पोस्ट जो आपके लिए आती है दोस्तों वो आती है फॉर ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर भी जिसे कहा जाता है इसमें दोस्तों एज क्राइटेरिया क्या है इसमें दोस्तों आपकी एज होनी चाहिए 18 ईयर से लेकर 13 ईयर्स जी हाँ दोस्तों 18 साल से लेकर 30 साल आपकी अगर एज है तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हैं इसमें भी आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको देखनी होगी यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर 3 जून 1990 में अगर आपका बर्न है और 31 मई 2002 तक अगर आपकी एज है आपका डेट ऑफ बर्थ इन दोनों के बीच में है तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हैं ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 दोस्तों इन दोनों के फॉर्म भर सकते हो अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास दोनों के लिए एलिजिबल हो तो आप ये मैं आगे आपको और डाउट क्लियर करूंगा अगर आपको फिर भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं क्योंकि जब आप देखोगे तो आपको ये दोनों पोस्ट देखने को मिलेगी ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट तो दोस्तों इसमें क्या होता है इनमें ये होता है कि इसमें आपको ये देखना होता है ऑफिस असिस्टेंट में और ऑफिसर स्केल 1 में ज़्यादा जो हायर पैकेज है वो है ऑफिसर स्केल 1 में असिस्टेंट मैनेजर में तो बहुत सारे दोस्त ग्रेजुएशन अगर किए हुए हैं तो वो दोनों पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं तो उस केस में क्या आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों दोनों ही एग्ज़ाम में आप अपना लक ट्राई कर सकते हैं क्योंकि दोनों की जो एग्ज़ाम की डेट होती है दोस्तों ये आपको कोई नहीं बताएगा वो दोनों अलग अलग होती है क्रैश नहीं होती है डेट एग्ज़ाम की तो आप बेफिक्र होकर एग्ज़ाम दे सकते हैं इसकी जो थर्ड पोस्ट आती है वो आती है ऑफिसर स्केल 2 जैसे कि मैनेजर की पोस्ट भी कहा जाता है इससे पहले ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट थी उसको बोलते हैं असिस्टेंट मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर होता है मैनेजर इसकी एज क्राइटेरिया क्या है दोस्तों 21 साल से लेकर 32 साल जी हाँ दोस्तों
यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 साल से लेकर 32 ईयर्स 21 ईयर्स से लेकर 32 ईयर्स तक की अगर आपकी एज है तो आप एलिजिबल हैं। और डेट आपकी जो डे ओ भी होनी चाहिए वो इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, 3rd जून 1988 से लेकर 31st मई 1999 इनके बीच में अगर आपका बर्थ है तो आप डेफिनेटली एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। दोस्तों अगर एक दिन भी आपकी डेट ऑफ बर्थ पहले है तो नहीं हो पाएंगे आप एलिजिबल। मैं आपको इसलिए फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2nd ऑफ जून 1988, मतलब एक दिन पहले अगर आपका बर्थ है यहाँ पर 2nd जून को अगर आपका बर्थ है तो दोस्तों आप एलिजिबल नहीं है। इसके बाद में एज रिलेक्शंस भी काफ़ी हैं, उनको ट्राई करके आप एलिजिबल हो सकते हैं, वो एक अलग क्राइटेरिया है, उसको भी मैं अच्छे से समझाऊंगा। नेक्स्ट लास्ट पोस्ट जो आती है वो आती है ऑफिसर स्केल 3rd। ऑफिसर स्केल जो कौन सा ये होता है, लेवल 3rd होता है, सीनियर मैनेजर जिसे कि कहा जाता है। इसमें जो डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया है वो इस प्रकार है, और 21 ईयर से लेकर 40 ईयर्स तक की आपकी एज होनी चाहिए तब आप इसमें एलिजिबल हैं। और 3rd ऑफ जून 1980 से लेकर अगर आपका बर्थ है 31st मई 1999 तब तक आप एलिजिबल हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एज क्राइटेरिया आपको मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं कुछ एज रिलेक्शंस भी हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये रहा आपके लिए एज रिलेक्शन, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। आप जिस भी कास्ट में हैं, जैसे कि आप SC हैं ST हैं तो 5 ईयर्स का दिया हुआ है, OBC से हैं तो 3 ईयर्स का दिया हुआ है, और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं तो आपको 10 ईयर्स का दिया गया है। इस तरह से एक्स सर्विसमैन का भी दिया गया है, आप आराम से इसको देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके अच्छे से आपको दिख जाएगा, ठीक है दोस्तों। साथ में मैं आपको PDF जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा लिंक, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियली समझिए दोस्तों, क्योंकि ऑफिशियली मैंने पूरे एनालिसिस करके इस PDF को तैयार किया है, जिसमें कि आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं कि आप इस साल 2020 में जो IPS की बैंक की जॉब लगने वाली है आपकी, उसके लिए आप कितना एलिजिबल हैं। और आपका दोस्त भी अगर तैयारी कर रहा है तो उसको भी आप हेल्प कर सकते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं एलिजिबिलिटी की, तो बहुत सारे दोस्तों का ये क्वेश्चन आता है कि हाउ मच मार्क्स रिक्वायर इन ग्रेजुएशन फॉर IBPS एग्जाम। सो लॉट्स ऑफ कैंडिडेट स्टूडेंट्स आस्क द सेम क्वेश्चन, माय 10th मार्क्स इन द इज दिस एंड माय 12th मार्क्स इज दिस ग्रेजुएशन विद दिस, सो एम आई एलिजिबल। तो दोस्तों इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे पास कि मेरे 10th के मार्क्स इतने हैं, मेरे 12th के मार्क्स इतने हैं, और डेट ऑफ बर्थ कन्फ्यूजन होता है, वो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है। एंड क्वेश्चंस ये भी आते हैं बहुत सारे दोस्तों के मन में डाउट होगा अभी भी, व्हाट इज़ द मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड इन ग्रेजुएशन फॉर द IBPS PO एग्जाम, IBPS RRB एग्जाम, IBPS क्लर्क एग्जाम, IBPS एग्जाम, ओवरऑल कितनी मिनिमम परसेंटेज चाहिए IBPS एग्जाम के लिए। तो दोस्तों ये सब सवालों का जो आंसर होगा वो आपके सामने है, मैं आपको वो सारे डाउट्स अच्छे से बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट है। अब बहुत सारे कई मेरे दोस्तों का कमेंट आता है, सर आई हैव डन माय ग्रेजुएशन विद 43%, कैन आई अप्लाई IBPS PO एग्जाम, IBPS RRB एग्जाम। तो दोस्तों इस तरह के आपके जितने भी डाउट है वो सारे आज इस वीडियो को देखने के बाद में क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में मैं सिर्फ IBPS RRB की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अच्छे से क्लेरिफाई करना चाह रहा हूँ आपको दोस्तों। अगर मैं सारे पोस्टों की बात करूंगा तो ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको IBPS PO की आपको एलिजिबिलिटी बताऊंगा कि उसमें एज कितनी चाहिए आपको एग्जैक्ट, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, और उसके नेक्स्ट आपका वीडियो आएगा क्लर्क के लिए और फिर SO के लिए, IBPS SO के लिए। अब यहाँ पे एक डाउट और आता है, लास्ट ईयर में हैं, BCOM कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, BCA कर रहे हैं, या फिर BTech कर रहे हैं, वो लास्ट ईयर में हैं, अपने परसुइंग ईयर में हैं, फाइनल ईयर में हैं, तो क्या वो एलिजिबल हैं। आपको एक क्लियर सी मैं बात बता देता हूँ, इफ़ यू आर गिवन फाइनल एग्जाम्स, मैं इंग्लिश में समझाता हूँ पहले फिर हिंदी में भी, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि आप सर इंग्लिश में भी समझाया कीजिए। तो इफ़ यू आर गिवन फाइनल एग्जाम्स एंड रिजल्ट विल कम बिफोर द रजिस्ट्रेशन डेट, जो भी आपने एग्जाम फिल किया है, देन यू आर एलिजिबल। दोस्तों समझ पाए होंगे आप, अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया है, लाइक सपोज अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं और आपने एग्ज़ाम दिया है BCOM फाइनल ईयर का, और अगर आपका रिजल्ट आपकी एग्रीगेट परसेंटेज लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तक आ जाती है, देन यू आर एलिजिबल, अदरवाइज फाइनल ईयर वाले एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा डाउट है, बहुत ही छोटा डाउट है, इसको बहुत बड़ा कर दिया गया है, मुझे नहीं पता क्यों। दोस्तों मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बता रखा है क्लियरली,
फाइनल ईयर वाले एलिजिबल हैं भी और नहीं भी हैं। बस आपको ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि दोस्तों जब आप फॉर्म भरेंगे तब आपसे ये पूछता है आपके फाइनल ईयर की एग्रीगेट कितनी बनी है। तो दोस्तों आप खुद ही बताएं मुझे, अगर आप फाइनल ईयर में हैं, आपका रिजल्ट नहीं आया है और सपोज करें आपकी IBPS RRB का आपने फॉर्म फिल किया है और उसके फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट जो है वो जुलाई है, 31 जुलाई है या 10 जुलाई है, तो दोस्तों किस तरह से आप एलिजिबल हो पाएंगे? 10 जुलाई के बाद अगर आपका रिजल्ट आता है तो डेफिनेटली आप एलिजिबल नहीं है। तो ये दोस्तों आपको खुद को ध्यान रखना है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि फाइनल ईयर वाले एलिजिबल हैं अगर उन्होंने एग्जाम दिया है, तो डेफिनेटली हैं, बट किस केस में वो एलिजिबल हैं? इफ द रिजल्ट विल कम बिफोर द रजिस्ट्रेशन ऑफ लास्ट डेट वट एवर दे गिव एग्जाम। मैंने आपके 3-4 डाउट क्लियर कर दिए हैं जो कि बहुत ही कॉमन डाउट है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी जो पोस्ट हमने बात की थी, ऑफिस असिस्टेंट, जिसे कि मल्टीपर्पज पोस्ट भी कहा जाता है। इसमें आपको क्या चाहिए? बैचलर डिग्री चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। जी हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ क्या चाहिए इसमें? बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आप फिर एलिजिबल हैं। प्लस यहाँ क्या ही मांग रहा है? तो प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग RRBs। जब आप एग्जाम जो सेंटर चूज करेंगे उस तरह से भी आपको सोचना होगा। आपने पंजाब का किया है, चंडीगढ़ का किया है, हरियाणा का किया है, MP का किया है, UP का किया है, राजस्थान का किया है, चेन्नई का किया है, हैदराबाद का किया है, केरल का किया है, तो दोस्तों आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। और जब आप फॉर्म भरें तब उस लैंग्वेज का भी ध्यान रखें। वहाँ पर ये पूछा जाता है फॉर्म भरते वक्त कि लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट करवाई जाती है। प्लस दोस्तों आपको वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। कंप्यूटर आपके अगर कभी कोई स्टडीज़ में रहा हो, लाइक आपने अलग से कोई RSCIT का कोर्स किया हो या कहीं से कुछ ऐसा कंप्यूटर का डिप्लोमा किया हो, तो वो भी ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, एक्सपीरियंस अगर हम बात करें ऑफिस असिस्टेंट में मल्टीपर्पज़ की पोस्ट में, तो वो आपको कुछ भी नहीं चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। No experience required in office assistant multipurpose post. Next आता है दोस्तों post आपके लिए officer scale 1 assistant manager जिसे कहते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों सेम आपको bachelor's degree चाहिए, ठीक है, from a recognized university। जैसे कि इसमें बहुत सारे field दिए हुए हैं आपके सामने हैं, जो कि जैसे कि आप देख सकते हैं forestry हो गया, agriculture हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, वेटरनरी हो गया, साइंस हो गया, और मैनेजमेंट हो गया, लॉ हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, IT हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, सेम चीज़। इसमें भी लोकल लैंग्वेज का आपको ध्यान रखना है और आपके पास वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। अब बात करें एक और गुड न्यूज़ आपके लिए, एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इन ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट। दिस इज वेरी गुड थिंग। नेक्स्ट आपके लिए आती है पोस्ट दोस्तों ऑफिसर स्केल 2, जैसे कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर भी कहते हैं और मैनेजर भी कहते हैं। इसमें दोस्तों आपको यहाँ पर मैं आपका एक क्वेश्चन आपको आता है बार बार, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड। दोस्तों जो अभी लास्ट में 2 पोस्ट गई है ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट, उसमें कोई आपको परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं चाहिए। आप अगर पासिंग मार्क्स से 43 मार्क्स में भी अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, देन यू आर एलिजिबल, डोंट वरी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर इस पोस्ट के लिए दोस्तों ये सीनियर पोस्ट है, जनरल बैंकिंग ऑफिसर इसे कहा जा रहा है, डेफिनेटली मैनेजर की पोस्ट मिल रही है, तो यहाँ पर आपको परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है। इससे पहले किसी पोस्ट में आपको रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो ये अपने माइंड से क्लियर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो उसको भी क्लियर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और अगर पसंद आ रहा तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर बैचलर्स डिग्री जो होती है वो आपको चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और मिनिमम आपकी परसेंटेज होनी चाहिए एग्रीगेट 50%। अगर आपकी परसेंटेज 49.99 भी है तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। आपकी 50% प्रॉपर होनी चाहिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हैं इस पोस्ट के लिए। और आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए वो उसके फील्ड दे रखे हैं यहाँ पे ऑफिस स्केल 1 में, वही सेम आप देख सकते हैं, बैंकिंग है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, एनिमल वेटनरी है, साइंस है, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, मैनेजमेंट है, IT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अकाउंटेंसी, लॉ, इकोनॉमिक्स। प्लस दोस्तों यहाँ पर एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सीनियर पोस्ट है तो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट है। 2 ईयर्स का रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, 2 ईयर्स एज एन ऑफिसर इन ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इस तरह से यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस भी रिक्वायरमेंट होगा, वो भी 2 ईयर्स का।
नेक्स्ट पोस्ट आपके लिए आती है दोस्तों ऑफिसर स्केल सेकंड का स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो ऑफिसर स्केल सेकंड में स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स आए हैं जिसमें अलग अलग पोस्ट है, आईटी मैनेजर हो गया, लॉ मैनेजर हो गया, सी हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। आपकी जो ये पोस्ट होगी ये होगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, और जहाँ पर आपको जो रिक्वायरमेंट होंगे मार्क्स वो आपको चाहिए होंगे 50% और बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि आईटी की पोस्ट है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आपके पास पोस्ट होनी चाहिए इसमें, तभी आप एलिजिबल हैं। वन ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, कहीं भी आईटी का वर्क आपने किया हुआ होगा, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में, कहीं इंस्टीट्यूट में, कहीं ऑफिस में, या किसी बैंक में, व्हाटएवर, कहीं भी आपने अगर जॉब की है आईटी सेक्टर में, वन ईयर का सिर्फ एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो आप क्या बन सकते हैं, आईटी ऑफिसर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर। नेक्स्ट पोस्ट जो दोस्तों यहाँ पे आती है ऑफिसर स्किल सेकंड में स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स में, वो आती है चार्टर्ड अकाउंटेंट की। तो आपके पास क्या चाहिए यहाँ पे, सर्टिफाइड होने चाहिए आप CA, ठीक है, उसके साथ में आपको वन ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए एज ए CA, तो आपको ये पोस्ट लग सकती है। नेक्स्ट आती है लॉ ऑफिसर की। लॉ ऑफिसर में दोस्तों आपको क्या चाहिए, यहाँ पे डिग्री चाहिए, वही आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की डिग्री चाहिए, मिनिमम 50% के साथ में एग्रीगेट में होनी चाहिए लॉ ऑफिसर के लिए आपको। और यहाँ पर 2 years का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट, और यू शुड हैव वर्क्ड एज लॉ ऑफिसर इन बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 years। 2 years का मिनिमम होना चाहिए, नॉट लेस देन 2 years लॉ ऑफिसर की पोस्ट आपको मिल जाती है। नेक्स्ट आपके लिए आती है ट्रेजरी मैनेजर। ट्रेजरी मैनेजर में दोस्तों आपको क्या चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट और MBA विद फाइनेंस। तो इसकी डिग्री अगर आपके पास है, आप अगर फाइनेंस आपने MBA किया है, तो आपको ट्रेजरी मैनेजर की पोस्ट मिल जाती है, और साथ ही में एक्सपीरियंस इसके लिए चाहिए आपको 1 year का। 1 year का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा इसमें आपको हो जाता है। और नेक्स्ट पोस्ट आती है दोस्तों मार्केटिंग ऑफिसर की, स्पेशलिस्ट ऑफिसर में। तो मार्केटिंग में दोस्तों ऑब्वियस है आपको MBA चाहिए इन मार्केटिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। MBA की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया फाइनल ईयर है और उसका रिजल्ट अगर आ जाता है लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, तब ही आप एलिजिबल हैं। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो दोस्तों इस क्यूरी को आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और अच्छे से, और हमारा टेलीग्राम का ग्रुप लिंक भी है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट है आप डायरेक्टली मुझसे बात करके पूछ सकते हैं। एग्रीकल्चर ऑफिसर की नेक्स्ट पोस्ट आती है, जिसमें दोस्तों आपको बैचलर डिग्री चाहिए, इस तरह के आपके फील्ड होने चाहिए उसमें, और 50% एग्रीगेट इसमें भी चाहिए, प्लस 2 years एक्सपीरियंस चाहिए दोस्तों यहाँ पर भी एग्रीकल्चर ऑफिसर में। नेक्स्ट पोस्ट आती है दोस्तों सीनियर मैनेजर की पोस्ट, ऑफिसर स्केल थर्ड, जैसे कि हम कह रहे हैं दोस्तों। इसमें आपको क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, इसमें आपको चाहिए बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है, वो भी एग्रीगेट चाहिए आपको 50% के साथ में। इनमें से कोई भी एक फील्ड की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा भी अगर है तो वो भी चलता है, प्लस डिग्री, दोनों में से कुछ ना कुछ होना चाहिए। पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर है इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, इसमें एक्सपीरियंस आपको 5 years का मांग रहा है दोस्तों। सबसे सीनियर, सबसे बड़ी पोस्ट इस वीडियो की कौन सी होगी, वो यही पोस्ट है दोस्तों, सीनियर मैनेजर पोस्ट। तो इसका सैलरी भी बहुत अच्छा मिलेगा आपको। तो दोस्तों आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पोस्ट के लिए, और साथ ही में डिग्री भी होनी चाहिए। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और आगे से आगे मैं आपके लिए और वीडियो इस तरह से लाता रहूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपके जो और कन्फ्यूजन होते हैं IPS PU को लेकर, IPS Prep को लेकर, IPS की एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी पूरी हम देख लेंगे इस साल की इन वीडियोज़ में। तो आप अभी से आपको तैयारी करनी है दोस्तों, रिविज़न करें, तैयारी करें, लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। Wish you very all the best. Jai Hind.